Hello and welcome everyone. So let me discuss uh, today concept of finite abelian groups with you. Concept is simple. Let me write it. Okay. And a question हम लोग करेंगे फिर उसके बाद में एक मैं आपको homework में देता हूँ question जिसको आप solve करके comment करके answer बताइएगा ठीक है? So the concept is, so let's say आपको दिया गया है someone asks you find the number of uh, finite abelian groups of some order, right? कितने up to isomorphism किसी finite order के कितने abelian groups होंगे? तो उसके लिए क्या है? If let's say order of सम ग्रुप जी या फिर ऐसे बोलिए कि आपसे पूछा गया है लेटमी से नंबर ऑफ नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑर्डर एन अप टू अप अपू आइसोमफिजम अब तो आइसोमार्फिज्म का मतलब नॉन आइसोमार्फिक एन ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप्स कितने होंगे तो उसके लिए कोई भी एन आपको दिया गया रहेगा तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा उसका हम क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अगर कुछ इस तरीके से आपको मिलता है लेटमी से पी टू दी पावर आर वन टू टू पावर आर अप टू पी टू दी पावर लेटमी से आर इस तरीके का अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है देन नंबर ऑफ बिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर हम कितने हो जाएंगे आपको क्या करना है जो पावर्स दिख रहे हैं इनके पार्टीशन निकाल लीजिए नंबर ऑफ पार्टी पी आर वन इन टू पी आर टू अप अपू नंबर ऑफ पार्टीशन

ियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर हंड्रेड टू आइसोम हंड्रेड ऑर्डर के ग्रुप्स अप टू आइसोम कितने होंगे तो हंड्रेड का क्या करना है पावर्स so, आपको यहां पे भी टू दिख रहा है यहाँ पे भी टू दिख रहा है राइट तो इन पावर्स के नंबर ऑफ पार्टीशन निकाल के उनका मल्टीप्लीकेशन कर देना है राइट सो नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर हंड्रेड अप अपू आइसोमारोफिज्म नंबर ऑफ ग्रुप्स और अबिलियन ग्रुप्स ये भी लिखा होना चाहिए राइट नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर हंड्रेड अप टू आइसोमारोफिज्म अप टू आइसोमारोफिज्म कितने हो जाएंगे